Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about fungal diseases which are caused by fungi in Pakistan. तो सबसे पहली डिजीज है रेड रोट ऑफ शुगर कैन, गन्ने की डिजीज है ये। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से जब डिजीज लगती है तो प्लांट के ऊपर किस तरह के निशान जो है वो विजिबल होते हैं, यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो रेड रोट ऑफ शुगर कैन जब होती है तो उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से प्लांट के ऊपर शो होने लग जाते हैं। रेड रॉट जो है ये बेसिकली एक बहुत ही स्वेयर किस्म की डिजीज है। इसके सिम्टम्स ये होती हैं कि प्लांट के अंदर जो है जो इसके इंटरनोड्स होते हैं उनकी जगह उनके एरिया में रेडनेस शो होने लग जाती है और आसपास वाइट पैचेस नजर आने लग जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर शो किया जा रहा है। इसके बाद इसका जो इन्फेक्शन होता है जो प्लांट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, होल्स क्रिएट होने लग जाते हैं और जो एंड्स होते हैं जहाँ पर प्लांट के जो सीड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर कट्स लगने लग जाते हैं। इसके अलावा और भी प्लांट के ऊपर बहुत सी डिफरेंट जगह पे इंजरीज शो होने लग जाती हैं। जब ये डिजीज होती है तो प्लांट की जो यील्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। इसके अलावा प्लांट के अंदर सुक्रोज का कंटेंट जो है वो बिल्कुल डिक्रीज कर जाता है। प्लांट के अंदर जो स्वीटनेस होती है जो उसकी मिठास होती है वो ख़त्म होने लग जाती है और प्लांट बिल्कुल रफ सा, अगर उसको टेस्ट करके देखा जाए तो उसको कोई भी किसी किस्म का टेस्ट नहीं आता। इसकी यील्ड जो है वो इसके जूस की वजह से होती है और वही कंटेंट इस डिजीज़ की वजह से कम्प्लीटली उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। इस डिजीज़ की अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो रेन और इरिगेशन वाटर जो है वो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा विंड और इंसेक्ट की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। देन नेक्स्ट आता है डिजीज़ का कंट्रोल। इसके अलावा ऐसे ऐसे प्लांट को लगाना, ऐसी वेराइटीज़ को यूज़ करना जो कि रेजिस्टेंट हों डिजीज़ के अगेंस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ किया जाए। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन जो है ये करनी चाहिए, मीन्स के एक ही क्रॉप को बार बार एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए। डिफरेंट, अगर एक सीज़न में एक क्रॉप लगाई है तो नेक्स्ट सीज़न में नेक्स्ट कोई और क्रॉप लगाई जाए, उसके बाद फिर कोई और क्रॉप लगाई जाए और हो सके तो 2 साल बाद किसी भी क्रॉप को उसके ऊपर रिपीट किया जाए। इसके अलावा जो भी सीड्स वगैरह सो किए जाएं वो डिजीज़ फ्री होने चाहिए, उनमें किसी भी किस्म का डिजीज़ होने का डाउट जो है वो प्रेजेंट ना हो। इसके अलावा सीड्स को किसी भी फंगिसाइड से पहले ट्रीट कर लिया जाए ताकि उसके अंदर अगर कोई भी डिजीज़ का थोड़ा बहुत भी पोर्शन हो तो वो ख़त्म हो जाए। कोई भी प्लांट ऐसा है जो कि डिजीज है तो उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए और उसको बर्न कर देना चाहिए। कभी भी डिजीज वेराइटी का कोई भी प्लांट जो है वो जहाँ पर हमारी क्रॉप प्रेजेंट है वहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि उस डिजीज पार्ट से किसी भी बाकी जो हेल्दी प्लांट्स हैं वहाँ पर डिजीज ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन हार्वेस्टिंग के बाद भी अगर वहाँ पर कोई डिजीज पोर्शन है तो उसको बर्न कर देना चाहिए। द नेक्स्ट डिजीज डेट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज डायबैक डिजीज। डायबैक डिजीज के अंदर प्लांट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से शो करने लग जाते हैं, सिम्टम्स जो हैं वो कुछ इस तरह की शो करने लग जाते हैं। और डायबैक डिजीज जो है ये भी एक फंगल डिजीज है और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। डायबैक जो है वो मोस्टली वुडी प्लांट्स के अंदर ये एक डिजीज पाई जाती है और इसके अंदर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की, जैसे उसके ट्विग्स की, उसकी ब्रांचेस की, शूट्स की, रूट्स की और डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है वो डेथ होने लग जाती है। डिफरेंट पार्ट्स पे सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। ये डिजीज़ मोस्टली टिप्स से स्टार्ट होती है, प्लांट्स की जो टिप्स होती हैं स्पेशली वहाँ से स्टार्ट होती है। इसके अलावा स्टैग हेड जो है ये भी एक डायबैक डिजीज़ है और ये स्लो डायबैक डिजीज़ की फॉर्म है, जिसके अंदर जो प्लांट्स की या ट्रीज की अपर ब्रांचेस होती हैं उनकी डेथ होने लग जाती है। इसके अलावा लीफ वगैरह भी प्लांट के ऊपर जो है वो शो आहिस्ता आहिस्ता होना ख़त्म हो जाते हैं। और एक एनिमल होता है जिसको स्टैग कहा जाता है, उसके हेड की तरह प्लांट जो है वो उस तरह की शेप शो करने लग जाता है, प्लांट की जो शेप है वो डीफॉर्म होने लग जाती है। डायबैक और स्टैग हेड जो है ये बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया की वजह से होती है।
डाईबैक होने के डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से डाईबैक हो जाती है। इसके अलावा नीमाटोड्स वगैरह की, या फिर अगर प्लांट को कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है, जैसे बेंड की वजह से हो गई है, या फिर प्लांट को कोई चीज़ लग गई है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कोई डैमेज हो गया है प्लांट को, या फिर कोल्ड की वजह से मीन्स के टेम्परेचर एक्सट्रीम्स की वजह से प्लांट को कोई डैमेज हो गया है। इसके अलावा डिफरेंट सॉल्ट की वजह से अगर प्लांट को कोई डैमेज हुआ है, या फिर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि डायबैक डिजीज़ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज बनते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डिसीसिंग सॉल्ट, मीन्स कि जब सॉल्ट वगैरह को किसी जगह से रिमूव किया जाता है, या फिर सॉल्ट की अमाउंट जो है वो प्लांट के ऊपर, प्लांट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इन चीज़ों से सॉल्ट की वजह से भी, जैसे कि लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सॉल्ट की अमाउंट भी जो है वो भी प्लांट के अंदर कोई भी किस्म की डिजीज़ कॉज कर सकती है। प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इस डिजीज़ के होने की वजह से, और एट टाइम्स तो ऐसा भी होता है कि जब पहली दफ़ा इस डिजीज़ के सिम्टम्स शो होते हैं तो उसके साल, 1-2 साल, 1-2 साल के अंदर अंदर ही प्लांट की, चाहे ट्री कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी डेथ हो जाती है। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके अंदर प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। डिफरेंट तरह के प्रैक्टिसेस जो कि बाकी प्लांट्स के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, जैसे प्रॉपर वाटर देना, फर्टिलाइजर्स अच्छे से डाल देना, और इसके अलावा प्लांट की कटिंग्स वगैरह ठीक से करना टाइम टू टाइम, तो डिफरेंट सॉल्यूशन जो कि बाकी डिजीज में काम आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है इस डिजीज़ के लिए वो उतने ही इफेक्टिव हो। इसके अलावा और भी बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि जो कि डाईबैक और प्लांट की डिक्लाइन को डे बाय डे इंक्रीज करते जाते हैं, और बहुत सालों तक ये डिजीज़ जो है वो इंक्रीज होती जाती है, और एट दी एंड प्लांट की डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये ट्रीज, श्रब्स, हर तरह के प्लांट्स को हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऐसे प्लांट्स में होती हैं जिनकी एक सर्टेन एज होती है, जो मेच्योरिटी के लेवल तक पहुंच जाते हैं, जिनका एक प्रॉपर साइज होता है। तो ये डिजीजेज आपने करनी है, देन नेक्स्ट आपकी डिजीजेज रस्ट और स्मट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।